हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपना अगला जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड ब्रांच चेंज एंड इट्स इंपॉर्टेंट पे होगा, यानी कि उद्यान विज्ञान का परिचय, उसकी शाखाएँ, उसका क्या क्या महत्व है। दोस्तों, अपना शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी देश में महामारी को देखते हुए आप सभी अपने घरों में रहे, सेफ रहे और साबुन से हाथ धोए। तो दोस्तों, अपन चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो मैं बताना चाहूँगा अपना इसकी परिभाषा समझने के लिए पहले इसके बारे में दो तीन एक कॉमन जो बातें हैं वो जान लेते हैं। तो पहला अपना है कि उद्यान विज्ञान होते क्या है। अगर इसकी एक शब्द में बात करते हैं तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उद्यान की फसलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें उद्यान की जो क्रॉप्स होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है जो जेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेन कॉपी साथ लेके बैठे एंड पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले। दोस्तों, अगर इसकी अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका कब विकास हुआ, तो देखो दोस्तों, उद्यान विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है और एक शताब्दी के अंदर 100 वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके जनक कौन हैं। जो उद्यान विज्ञान की अगर अपन वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो उसके जनक हैं यूएसए के एक साइंटिस्ट लिबर्टी हैंड वैली, और अगर इंडिया की बात करते हैं तो उद्यान विज्ञान के इंडिया में जनक हैं महाराष्ट्र के MH मोरीगावड़ा। एंड अपन बात करते हैं जो भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक वो हैं डॉक्टर KL चड्ढा को कहते हैं। एंड सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हैं उनके जनक है डिकेंडोली। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं इसके वर्ड पे जाते हैं कि हॉर्टिकल्चर कौन सा वर्ड है, कौन से दो वर्डों से मिलकर बना है। तो देखो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। मैं वो बताना चाहूँगा, जिस भी वर्ड के पीछे अगर लैटिन कल्चर लिखा होता है तो वो 100% है कि वो लैटिन वर्ड होगा। लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि जो लेक कल्चर है, लेक कल्चर में जो लेक वर्ड है वो तो लिया गया संस्कृत से, एंड जो कल्चर है वो ले गया लैटिन वर्ड से, इसमें अपवाद है। एंड जिस वर्ड के पीछे अगर वाई लगा हुआ है तो हमेशा वो ग्रीक वर्ड रहेगा। इसमें बात क्या है कि पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी में पोनम तो होता है ग्रीक, लैटिन का, एंड लॉजी होता है ग्रीक वर्ड। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में दो वर्ड हैं, एक तो हैं हॉर्टस, दूसरा है कल्ट्रा या कल्टस, जिसमें हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन या उद्यान का अपन कह सकते हैं, और कल्ट्रा या कल्टस का अर्थ होता है कल्टिवेशन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर अपन इसके सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर को अपन इसके वर्ड से अपन इसकी परिभाषा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी की तुलना में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा अपन पर जाना पड़ता है कि दोस्तों, अगर अपन हॉर्टिकल्चर होती क्या करो, जैसे अपन हॉर्टिकल्चर में अपन 14% इन्वेस्ट करते हैं तो अपन को आउटपुट मिलता है दोस्तों 33%। ठीक है, और एग्रोनॉमी क्या होता है, अगर 14% इन्वेस्ट करते हैं तो अपन को आउटपुट मिलता है 15%। यानी कि किसी भी क्रॉप की अगर अपन 14% इन्वेस्ट करते हैं और उसका आउटपुट अपन को 15% से अधिक मिलता है तो उसको अपन उद्यानिकी या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अपन इसकी परिभाषा बात करते हैं तो देखो, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जियों, व्यावसायिक फूलों, अलंकृत बागवानी, मसाले वाली फसलों, औषधीय फसलों, सुगंधित फसलों, रोपित फसलों, व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियों तथा इन सब उद्यानिकी की फसलों की तुड़ाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, व विपणन यानी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जैसे परिभाषा देखा, अगर अपन इंग्लिश में बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉमर्शियल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, स्पाइसेस क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, इंडिविजुअल ट्री श्रब्स एंड अबव मेंशन क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों, अगर अपन सामान्य बात करते हैं, इसमें अगर फल एवं सब्जी की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर फल एवं सब्जियों में जो कॉमन जो डिफरेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, फल एवं सब्जी की तुड़ाई के लिए एक स्टेज होती है फिजिकल मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें एक फल एवं सब्जी अपना पूर्ण आकार ले लेती है, ग्रहण कर लेती हैं।
सामान्यतः जो फलों की तुड़वाई है फिजिकल मैच्योरिटी स्टेज के बाद की जाती हैं। अगर किसी फल की तुड़ाई फिजिकल मैच्योरिटी स्टेज के बाद की जाती हैं तो या उस पर की जाती तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटरिक फ्रूट, एंड जिसकी तुड़ाई राइपनिंग स्टेज पर की जाती है उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेटरिक फ्रूट। सामान्यतः जो सब्जियों की जो तुड़ाई होती हैं वो फिजिकल मैच्योरिटी से पहले की जाती हैं, उस स्टेज को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर स्टेज या उद्यानिकी अवस्था। क्योंकि दोस्तों अगर एक सब्जी, जब मैं बात करता हूँ भिंडी की, अगर भिंडी अपना पूर्ण आकार है फिजिकल मैच्योरिटी तक आ जाएगी तो उसमें फाइबर का निर्माण हो जाता है, जिससे वह उसमें खाने की में दिक्कत आती है, पूर्ण तरह पक जाती है। इसलिए हमेशा सब्जियों को कच्ची अवस्था में खाया जाता है एंड फलों को अपन हमेशा पका के खाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये में कॉमन एक डिफरेंट था जो मैं आपको बता दिया है। एंड मैं बात करता हूँ आगे इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है। अब बात करते हैं, पहली इसकी शाखा है पोमोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के अंतर्गत वाय लगा हो या लॉजी लगा हो हमेशा ग्रीक वर्ड रहता है, लेकिन ये पोमोलॉजी इसमें अपवाद था। देखो बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्द हुई है दोस्तों, एक पोमम है एक लोगस है। ठीक है, अब इसमें पोमम जो है लैटिन वर्ड हैं एंड जो लॉजी हैं वो ग्रीक वर्ड है। तो जैसे जिसमें पोमम का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों फ्रूट या फल, एंड लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी और कल्टिवेशन। हमेशा दोस्तों लॉगस या कल्टिवेशन का अर्थ होता है टू स्टडी या खेती करना। तो दोस्तों अगर मैं पोमम का अर्थ फल होता है और यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जो मुख्य अर्थ देता है। दोस्तों इसमें लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं कि पोमोलॉजी में एक्चुअल में किसकी अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें फलों का कल्टीवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग तक का पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों, वो हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर मैंने बताया, इसके बाद में कल्चर लग रहा है, यानी कि ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब ओलेरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओलेरियस, जिसका अर्थ हर्बेसियस प्लांट यानी शाकीय पौधे। कल्ट्रा या कल्टस यानी कल्टीवेशन यानी अध्ययन करना, यानी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों तीसरी अपनी जो ब्रांच है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर वही बात है कि इसमें भी कल्चर हैं, तो कल्चर आते ही आपको समझना चाहिए कि ये लैटिन वर्ड होता है। अब ये फ्लोरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है फ्लोरिस है। फ्लोरिस का अपन अर्थ देख सकते हैं तो वो है फ्लावर यानी फूल। अब बात करते हैं कल्ट्रा कल्टस की। कल्ट्रा कल्टस का जो मीन्स होता है वो होता है कल्टिवेशन या स्टडी या अध्ययन करना होता है, खेती करना होता है। तो अगर अपन इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है, यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यावसायिक फूलों यानी कॉमर्शियल फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल जो गार्डनिंग होती हैं अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। एंड इसकी और भी विभिन्न शाखाएं होती हैं जो अपन आगे बात करेंगे। अब इसकी चौथी जो शाखा है दोस्तों वो है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर इसकी अगर आपको ये नई लग रही होगी, सामान्यतः आपने सभी अपन पढ़ते हैं कि ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी, अपन तीन इसमें शाखा का अध्ययन करते हैं कॉमनली, लेकिन आर्बोरिकल्चर बात करते हैं तो वह कल्चर है यानी लैटिन वर्ड है। इसमें आर्बोरिकल्चर में दो वर्ड हैं, पहला है आर्बोर जिसका अर्थ होता है वुडी प्लांट या कास्टीय पौधे, ठीक है, और कल्ट्रा कल्टस का अर्थ होता है कल्टीवेशन यानी टू स्टडी या खेती करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, अगर इसकी मैं एक वर्ड में बात करता हूँ तो देखो, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत पेड़ यानी इंडिविजुअल ट्री श्रब्स एंड लताओं का अध्ययन किया जाता है। अगली जो शाखा है वो है विटिकल्चर या विनिकल्चर। विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती करना, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है क्योंकि इसके अंत में कल्चर आ रहा है। यह दो शब्दों से मिलना है विटी या विनी। विटिकल्चर का विटी, विनिकल्चर का विनी आ गया, जिसमें वाइन लता होता है इसका अर्थ। कल्ट्रा कल्टस यानी वही कल्टिवेशन होता है, यानी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती तथा उसकी प्रोसेसिंग का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं क्या, विटिकल्चर या विनिकल्चर। अब बात करते हैं शराब बनाने की जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं, ओइनोलॉजी। ओइनोलॉजी के अंदर वाई आ गया, लॉजी आ गया, तो ये लॉजी यानी ग्रीक वर्ड होगा ये, जिसमें ओइनोस का अर्थ होता है वाइन और शराब, लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है मैटर, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक्स कमेंट जरूर करें और इसको अपनी
नोटबुक में नोट कर ले, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ 100% कि 5 क्वेश्चन मांग के चलो इसमें आज जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा। दोस्तों हम विटिकल्चर की बात करते हैं परिभाषा की, तो ये उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। और अंगूर से शराब बनाते उसको बोलते हैं ओइनोलॉजी। दोस्तों ये जो शाखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंगूरों से शराब बनाने की कार्य किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह क्या जाता है कौन सी के ओइनोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों अगली जो शाखा है वो है प्लांटेशन क्रॉप यानी रोपित फसलें। यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऐसी फसलों का अध्ययन किया जाता है जो विस्तृत क्षेत्र में एक साथ लगाए जाते हैं। यानी एक कॉमर्शियल फील्ड के अंदर ये एक साथ बड़ी लार्ज स्केल पे इसकी खेती की जाती है जिससे अपन लार्ज प्रोडक्शन ले सके, और इनका तुड़ाई के बाद प्रोसेसिंग के बाद में इनका उपयोग लगते हैं। जब इनकी तुड़ाई हो जाती है उसकी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद इनका अपन प्लांटेशन क्रॉप का यूज ले सकते हैं। जैसे अपन कुछ प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं तो पहली प्लांटेशन क्रॉप में बात करूँ सुपारी की। सुपारी आप कॉमनली सब जानते हो कि सुपारी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम आ सकता है कि सुपारी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वह है प्रथम स्थान है भारत का। अब दूसरा है नारियल यानी कोकोनट। कोकोनट सब जानते हो कि नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं क्योंकि यह नारियल को ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा करने से अपनी सभी इच्छाएं मन की पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों कैसुनट या काजू को बोलते हैं। काजू को बंजर भूमि में सोने की खान कहते हैं। यानी कि कौन सी प्लांटेशन क्रॉप को सोने की खान कहते हैं बंजर भूमि, वो है कौन सी? काजू। इससे डॉलर अर्निंग क्रॉप या डॉलर कमाने वाली फसल कहते हैं क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट है बाहर विदेशों में किया जाता है जहाँ पे रुपये उनके डॉलर में होते हैं, दैट करेंसी डॉलर में होती है। जिस बात की टी की चाय की, चाय एक प्रमुख बीवरेज यानी पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है चाय को। कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या होता है, ये भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा लाई गई थी, मतलब इसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। और कॉफ़ी उत्पादन में भारत का छठवां स्थान है दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है और प्रथम किसका ब्राज़ील का है, ये अपन थोड़ा ध्यान रखना इसका। अगली जो क्रॉप है वो ऑयल पाम या तेल का ताड़ जो कहते हैं। ऑयल पाम के फलों में 55% तक तेल पाया जाता है तथा प्रति हेक्टर अथवा प्रति इकाई सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। किससे होता है? वो होता है ऑयल पाम से। कितना होता है? 5.5 टन प्रति हेक्टर इसमें तेल का उत्पादन अपन कर सकते हैं। ऑयल पाम को छोटे किसानों की सिंचित फसल कहा जाता है। जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके लिए सिंचित फसल बात करते हैं तो अपन ऑयल पाम को कह सकते हैं। अगला बात करते हैं कोकोवा, कौवा जिसको फूड ऑफ गॉड भगवान का भोजन कहते हैं। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करें पलमिरा पोम, जो दोस्तों पोम कई प्रकार के होते हैं। पहला बताए ऑल पोम, दूसरा है परमिला पोम। इसमें ताड़ी व नीरा शराब बनाई जाती है। रबड़, पान, जायफल ये अलग और क्रॉप्स हैं। अथवा प्लांटेशन क्रॉप मुख्यतः जो दक्षिणी पूर्वी भारत में लगाई जाती हैं या उगाई जाती हैं। भारत का काजू उत्पादन व निर्यात में प्रथम स्थान है, यानी इसका प्रोडक्शन एंड जो एक्सपोर्ट में है दोनों में इसका प्रथम स्थान है भारत का। अगली जो शाखा है वह स्पाइसेस क्रॉप मसाले वाली फसलें। स्पाइसेज शब्द की उत्पत्ति वो हुई थी लैटिन वर्ड से। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर इसके बात करते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को मसालों का देश कहा। एक साइंटिस्ट थे वास्को डी गामा जिसने भारत को मसालों का देश के नाम की संज्ञा दी। मसालों की द्वीप मलाका द्वीप थाईलैंड को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो मसालों का उत्पादन जो भारत में ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा मैटर लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें, और मैं ऐसा को आगे से मैटर चाहिए तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि मेडिसिनल जो क्रॉप हैं उनकी बात करते हैं कि मेडिसिनल क्रॉप में भारत का कौन सा स्थान है, उसमें क्या क्या स्टडी की जाती है। देखिए दोस्तों, मेडिसिनल क्रॉप जो होती हैं कि कोई पौधा अथवा पौधे का कोई भी भाग जो किसी रोग का उपचार कर सके, यानी कि पौधे का कोई भी भाग जो किसी रोग का उपचार कर सकते हैं उसको कहते हैं औषधीय पौधा। इनकी खेती करना औषधीय फसल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी पौधे का कोई सा भाग जो किसी रोग का उपचार कर सकता है उनको कहते हैं औषधीय पौधा। और इनकी अगर अपन कॉमर्शियल लार्ज स्केल पर स्टडी कल्टिवेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं औषधीय फसल। अब बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स की,
एरोमेटिक क्रॉप क्या होती हैं, ये सब लैटिन भाषा का शब्द से बना है। यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सुगंधित फसलों का अध्ययन किया जाता है, जिससे जिन भी फसलों से अपन सुगंध ले सकते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सुगंधित पौधों में खुशबू जो द्वितीय उपापचय रसायन कारण होती है। देखो दोस्तों, एक पौधे के अंदर दो प्रकार के मेटाबोलिक उपापचय पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलिक एंड दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलिक। लेकिन उनमें जो एरोमा खुशबू आती हैं वो आती हैं सेकेंडरी मेटाबोलिक या द्वितीय उपापचय के रसायन के कारण आती हैं। अब दोस्तों, इसके जो लास्ट शाखा हैं वो हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग, मतलब तुड़ाई के बाद प्रबंधन व प्रसंस्करण। यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा हैं जिसमें फसलों की तुड़ाई के बाद उनका उचित प्रबंधन व प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फसल की तुड़ाई हो जाती है, उसके बाद उसकी ड्राइंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग सब इस शाखा के अंतर्गत अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज थी एंड इसके इंट्रोडक्शन था। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये मैटर अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता हूँ जेट एंड आईसीआर के लिए, दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तभी मैं आगे इसका जो इंपॉर्टेंट्स इसके महत्व हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा या आपके साथ अपन स्टडी करेंगे। इसलिए जिसके इंपॉर्टेंट है वो अपन अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले मुझे इसका एक बार रेस्पॉन्स बताइए तो मैं आगे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, क्यों दोस्तों मैं जितना मुझसे कोशिश हो पाती हैं उतनी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा मैटर दे सकूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया इंट्रोडक्शन एवं इसकी ब्रांचेज या इसकी शाखाएं, इसमें दोस्तों आप मान के चलो कि दो क्वेश्चन पक्का आप ऐसे हॉर्टिकल्चर 40 क्वेश्चन में से आएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट का, मैं अगला वीडियो आपको लेक्चर जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। पहले आप मुझे इसमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।